कैसे पता कर सकते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऑनलाइन है या ऑफलाइन इंस्टाग्राम पे? बहुत ही इजी ट्रिक है, उसके लिए मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भाई वीडियो को मत देखना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप बताऊँ यार आप लोगों की आप लोग किस तरह से पता कर सकते हो कि आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपकी बॉयफ्रेंड जो है ऑनलाइन है या नहीं है। क्या कि बहुत बार ऐसा होता है यार, चलो ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है ना, एक्सपीरियंस ही समझ लेना। देखो होता क्या है कि कभी कभी आप लोग यार लोग बोल देते हैं, चलो बाय मुझे ये करना है वो करना है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन वो क्या है कि कभी कभी पीठ पीछे आप लोग किसी और के साथ, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि वो ऑनलाइन है अभी या सचमुच ऑफलाइन हो गई? तो उसके लिए सिंपल सा आप लोग को यार अपना इंस्टा अकाउंट ओपन करना है। अपने इंस्टा को अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग को सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, और वहाँ जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी वाला, ठीक है ना। वहाँ आप लोग को जाना है यार, और वहाँ नीचे स्लाइड करोगे तो आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पास एक्टिविटी स्टेटस का। अब इसको आप लोग को इनेबल कर देना है। इनेबल करने से मेरा मतलब इसको ऑन कर देना है, ये ऑफ रहता है नॉर्मली वैसे, तो आप लोग इसको ऑन कर देना। और सेम यही प्रोसेस आपको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के अकाउंट में ये आप लोगों को प्रोसेस करनी पड़ेगी थी, ठीक है ना। सिंपल सा आप लोग उनका फ़ोन चाहिए, सिर्फ एक इनवर्टर की बात है, तो फ़ोन लेना है आप लोग को, और यही जो मैंने आपको सेटिंग बताई कि सेटिंग में जाना है, उसको तो आप लोगों को प्राइवेसी में जाना, और नीचे आप लोग को स्लाइड करोगे तो एक्टिविटी स्टेटस आपको मिलेगा, वहाँ पास उसको इनेबल कर देना। बस सिंपल सा काम इतना ही था। काम होने वाला जब भी वो ऑनलाइन होगी या होगा, तो आप लोग इस तरह से ग्रीन मार्क करके आप लोग को बता देगा कि हाँ ये ऑनलाइन है, तो आप लोग समझ सकते हो कब ये ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है, और आपको इसी साथ ये भी पता चल जाएगा कि कितनी देर पहले ये ऑनलाइन था या थी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।